तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का A52s जो 5G वाला मॉडल है उसके अंदर ऑफिशियली MIUI 4.0 का अपडेट, या बोल सकते हैं एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ चुका है। ये अपडेट कितने MB का अपडेट आया है, कहाँ मिलेगा, कैसे अपडेट करना है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आएंगे या फिर आपको ऊपर ही मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल। अगर आपके पास ऊपर नहीं दिख रहा है तो आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ जाना सॉफ्टवेयर अपडेट में और यहाँ पर जाना है आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे। जैसे ही आप डाउनलोड इंस्टॉल पे जाएंगे आप वहां पर आपको चेक कर लेना है और वहां पर आपको दिख जाएगा ये नया अपडेट आ चुका है जिसमें आपको मिलने वाला है MIUI 4.0 और साथ में एंड्रॉइड 12 का अपडेट। यहाँ पर आपको बहुत सारे नए फीचर लिखे हुए हैं कि ये नए नए फीचर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं अपडेट होने के बाद। और नीचे आप देखेंगे ये अपडेट जो आया है ये है 2278 MB का ये अपडेट आया है, तो इसको मैं कर लेता हूँ। और साथ में सिक्योरिटी जो पैच है जनवरी का 2022 का सिक्योरिटी पैच भी मिल गया है, तो इसको कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या नए फीचर आए, आगे बताऊंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, आपके मोबाइल की नेट की स्पीड के हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी कोई अपडेट वाली वीडियो बनाता हूँ, कि जब भी आप अपने मोबाइल को अपडेट करें हमेशा ध्यान रखें कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है 50+ होनी चाहिए या फिर आपका मोबाइल चार्ज पे लगा के ही अपडेट करें, नहीं तो आपको वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको होने देते हैं डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद बताऊंगा कैसे उसको इंस्टॉल करना है, तो उसको होने देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हो चुका है ये डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल यहाँ पर रिस्टार्ट होगा और फाइनली ये अपडेट होने के लिए चालू हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना है और नॉर्मली इसको अपडेट होना है, ये मेरे भी 15 से 20 मिनट लेगा अपडेट होने में, तो उसको होने देते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या नए चेंजेस मिले हैं या फिर MIUI 4 में क्या क्या नए अपडेट आपको मिले हैं। और अभी आपको बताऊंगा कैसे इसको अपडेट करना है, उसके बाद आपको कहाँ दिखेगा कि MIUI 4.0 हो गया है, तो उसको होने देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चल रहा है, एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट हो रहा है। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इससे सैमसंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूं और बनाई भी हुई है मैंने सैमसंग से रिलेटेड, तो आप वहां जाके मेरी वीडियोस को देख भी सकते हैं और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सैमसंग से रिलेटेड आगे नए जो भी फीचर्स आएंगे आपको जानकारी मिले। फाइनली ये सारी एप्स ऑप्टिमाइज होने वाली हैं और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, या बोल सकते हैं आपका मोबाइल पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। और ये हो चुका है ऑप्टिमाइज, सारी एप्स ऑप्टिमाइज हो गई हैं। अब इसके बाद सीधा ही आपका मोबाइल अब रिस्टार्ट होगा और आपका अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद मैं आपको यहाँ पर ले सकता हूँ सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, तो आप यहाँ पर देखेंगे MIUI 4.0 हो चुका है और नीचे आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है और यहाँ पर आप जैसे ही आप 12 पे लेके जाएंगे वहां पर आपको 12 आइकन मिल जाएगा। जैसे ही आप 12 पे आएंगे आप देखेंगे एंड्रॉइड 12 का अपडेट यहां पर आ चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या नया अपडेट आया है, क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या एंड्रॉइड 12 में अपडेट में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।